आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। अवैध शराब से अंग्रेजी शराब की बोतलों में की जा रही थी रिफिलिंग, मौके से दो आरोपी गिरफ्तार। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर माकड़वाली रोड चारण शोध संस्थान के पास रामदेव नगर कच्ची बस्ती के एक मकान में दबिश देकर अवैध शराब रिफिलिंग की कार्रवाई को अंजाम दे रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी गोविंद और अजय जायसवाल उर्फ चोटी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं मकान से ब्लेंडर स्प्राइट की 35 खाली बोतलें, मैकडॉल के 96 पौवे और RML राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब के 17 पौवे और एक पेटी भरी हुई शराब की जब्त की गई है। इसके अलावा रिफिलिंग के काम में ली जा रही बड़ी मात्रा में सामग्री भी जब्त की गई है। इस कार्रवाई में आबकारी विभाग के बंकर सिंह, आबकारी निरीक्षक तरुण अरोड़ा, परीक्षित व गार्ड सहित आबकारी की पूरी टीम शामिल थी। क्या रहा? श्रीमान अतिरिक्त आबकारी अजमेर राजेंद्र सिंह राठौर के निर्देशन में कार्रवाई की। मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि रामदेव नगर कच्ची बस्ती में कोई मकान के अंदर अवैध शराब को लेकर के कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंदर कुछ लोग हैं जिनके नाम भी हमारे सामने हैं, जिसके अंदर एक गोविंद है और एक है अजय जायसवाल उस चोटी के नाम से। जरिए मुखबिर सूचना के आधार पर हम वहां पहुंचे, पहुंचने पर हमने देखा कि वहां पे जो हल्की शराब है उससे भारी शराब को भरने का काम चल रहा है, जिसके अंदर हमारे को ब्लेंडर पैक की 35 बोतलें जो खाली मिली है, मैकडोल के पोवे 96 पोवे, RML जो अभी राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब, उसके 17 पोवे खाली मिले हैं। उसके अलावा एक पेटी पूरी RML से भरी हुई मिली है, जिसमें ये सूचना थी कि RML से मैकडोल नंबर 1 और ब्लेंडर पैक की विस्की की बोतलें भर रहे थे। Thank you.